चले बढ़ते हुए पहले ये की तरफ बढ़ते हैं, आ जाए भाई। तो ये इकरार भाई पहला सवाल आपकी स्कीम, और आप ये तीन लोग बैठे हैं इतने मुदब्बिर जो कि जो है वो आपको मशवरा देने के लिए आप बैठे, तो आपको कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। मैं जरा तनवीर भाई का और भाई का और सबके ना इस सेगमेंट से पहले मोबाइल जब्त करते हैं ना सबके। ये मैंने वैसे ही फ्लाइट मोड पे, आपके मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो रही है फ्लाइट मोड पे। अच्छा अच्छा ओके ठीक, मेरे पास रिकॉर्डिंग के और हालात हैं। सही है, तो वो कोई कहने लगे हालात और हालात बड़े खराब है आजकल। भाई जावेद अंजुम साहब के बारे में कहा था अपने वक्त के बड़े मशहूर और मारूफ खरीता निगार गुजरे, जावेद अंजुम साहब अपने वक्त के बड़े मशहूर मारूफ खरीता निगार। भाई ये खरीता निगार किसे कहते हैं करार भाई, कौन है खरीता? मैं बता दूं? नहीं 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 यार, खुदा के वास्ते आज बल्ले बल्ले हो गई। इसका मतलब ये है कि इस राउंड के पूरे पॉइंट है, ऐसा लग रहा है अकेले ही दे देंगे कॉन्फिडेंस से। करार भाई आए ना कि मैं बताऊंगा यार। करार भाई अगर आपको इसका मतलब पता है फिर हम आवाजें निकाल लेते हैं बस, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन आवाजें मुहज्जब होनी चाहिए, हम लोग बड़े सुकून में फैमिली भी ये शो देखती है जी। तो पहले किससे पूछे आप बताए? मेरा ख्याल है शेव भाई से पूछते हैं। शेव भाई क्या अब सर खरीदा नहीं मैच मैं रनअप हो गया सब मेरी, मेरी 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 स्ट्रगल दुनिया को पता है सर, वो हो गई खरीदा नहीं एक चीज होती है उर्दू में गजल जी हाँ, वो कहते हैं सीरियस आपका एक्सप्रेशन जो है। एक चीज होती है उसको कहते हैं हजल, सही है, वो थोड़ा मजाया थोड़ा फनी टाइप, ठीक है। इसी तरह उर्दू में जो है मजाया ड्रामे लिखना या मजाया शो तो करते ही रहते हो ना आप? कॉमेडी शो नहीं कर रहा हूँ। अच्छा हाँ। मुझे किसी ने बताया था करते हो? नहीं नहीं, तो जो मजा नगारी होती है जैसे मेरी किताब है कंट्रोवर्शियली योर्स, हाँ वो तो बड़ी सीरियस किताब है, हाँ उसमें थोड़ा मैं ऐसे लाइटर मोड से भी किया है, ठीक सही डाला है, ठीक है। तो इसमें जो जो मजाया ड्रामा निगारी या लिखने के स्टाइल को कहते हैं खरीता निगार। क्या कहते हैं? खरीता निगार, खरीता निगार। अच्छा, यानी ऐसा ऐसी तहरीर जिसमें मिजाज का मिजाज लिखा, उसका एक दूसरा नाम यानी खरीता निगारी। अच्छा ठीक है भाई, आपको क्या लग रहा है वैसे, कुछ लगा है इसमें कुछ दम इस बात में? उन्होंने जो स्पेसिफाई कर दिया ना ड्रामे से रिलेट किया तो लग रहा है कि थोड़ा सा कुछ शायद कुछ हो सकता है। किससे पूछे हैं बाकी? वैसे आप ये देखें कि जिनसे कोई नहीं पूछता उनसे जिनसे घर में कोई नहीं पूछता उनसे हम आराम में पूछें, ये आप देखें। हाँ भाई अकरार भाई बात इतनी सी, वाह 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 वाह, अभी बात तो कर लेने दे, पहले बात ही नहीं है, शेर क्या हो गया। हाँ। अकरार भाई बात इतनी सी कि माशरे में लोगों को इल्म नहीं है कि खरीता निगार क्या होता है। हाँ। भाई जवानी में लोगों के दिल धड़कते हैं, इधर तो बुढ़ापे में भी दिल धड़क रहे हैं। सर दिल ना धड़के तो बंदा वैसे मर जाता है, वो धड़कता ही रहता है। मैं तो उसी हिसाब से कह रहा था। अच्छा ठीक है, अपने महबूब को खत लिखने वाला इकरार भाई खरीता निगार है, इश्क के हाल को बयान करने वाला खरीता निगार है। वाह वाह वाह, वो होता है जज्बात को कलम की जुम्बिश से सफों में बंद कर दे, ओनू कहने ने खरीता निगार। यानी इसको समराइज क्या कहें, यानी अपने अपने महबूब को कोई जज्बात भरी तहरीर लिखना, आहो उसको कहते हैं खरीता निगार। मेरी उर्दू फंस गई, मैंने निकाल दी। अच्छा जी, अभी तक इन दो में से क्या लग रहा है कौन कोई ढंग की बात कर रहा है? मैंने एक नॉवल पढ़ा था बचपन में, हाँ चौथी नमाज चौथी में। युवा क्या हो रहा है चौथी जमा, ये बड़ी बात है। हाँ। उस नॉवल वो नॉवल जो था वो खतूत पर मुश्तमिल था, यानी जो महबूब है, सही है, उसका अपने आशिक को खत और आशिक का अपने महबूब को खत, सही है, और वो खतूत में ही सारी कहानी बयान हो रही थी, सही है। तो मुमकिन है, सही कह रहे हो। तो आपने भी उसी इंस्पिरेशन लेके बाद में खत जो लिखे वो सारे वो जो व्हाट्सएप से पहले वाले जमाने में, तो भाई अच्छा खैर उस वाले क्लास से मैसेंजर बस था। हां छोटी क्लास, इनसे भी पूछ रहे हैं क्या, इनसे पूछ रहे हैं तीसरे वाले? वैसा जरूरत नहीं है, लेकिन ख्याल है अभी जरूरत नहीं है, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं, लेकिन पता है यार नहीं बताएंगे तो उनकी आज की पेमेंट कटेगी, तो इसलिए आप हां प्लीज फिर बता दे, बता भी दूंगा तो कोई ज्यादा पेमेंट है नहीं। वसीम भाई मैं यहाँ रोज आता हूँ और मैं देखता हूँ कि आप कैसे उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। थैंक यू, मैं आपको और कह रहे हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको सेहत दे। वो कन्नान भाई हंसी निकल गई। हाँ जी जी, अच्छा अच्छा शुक्र है आज हंसी निकली है उनकी। खैर यार आप बताएं खरीदा निगार बताएं आप। यार मैं कह रहा था कि बड़ी आप खिदमत कर रहे हैं उर्दू की। हाँ थैंक यू, अल्लाह आपको सेहत दे। सर ठीक है आप खरीदा निगारी पे आ जाएं यार प्लीज, अल्लाह आपको बहुत सारी तरक्की। सर आमीन, खरीदा निगारी बता दें, अल्लाह आपके गुनाह माफ करे। आपको इसी तरह सेहतमंद रखे सर। खुदा कहां से खरीदा निगारी? अच्छा वो शुरू में दुआ लिखी हुई थी मैंने पढ़ दी। तो वसीम भाई मेरे हिसाब से खरीदा निगार खरीदा निगार रहने दे बस, ठीक है ठीक है। जिस तरह ये अधिका ऑडो है, जिस तरह ये अधिका निगार है।
ये जो भी है इसका मतलब बता दें। इसका इसका मतलब ये है कि आप समझें जैसे प्यारी सी आंखें। वाह वाह वाह। बस यार मतलब बताएं यार खरीदने का। आप मतलब बताओ खरीदने का। आप अभी देखो आगे आने वाला है। मुझे नहीं देखना यार आप मतलब बताओ। अच्छा लगेगा यार आप मतलब बताओ प्लीज यार। प्यारी सी यार खुदा का वास्ते यार वो टाइम अगली बॉल खेलनी है मैंने यार। अच्छा इस पे लिखा हुआ है प्यारी सी आंखें। क्या बता दिया जालिम ने। वसीम भाई क्या मैं पढ़ दूंगा वरना आप मेरे इशारों से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। भाई मैं नहीं बता सकता। ये मैंने एक कुत्ते का नक्शा खींचा है। नक्शा बनाने वाले को हदी का क्या कहते हैं? हदी का क्या? आप लोग जो भी कह रहे हैं वो नक्शा बनाने वाले को कह रहे हैं। नक्शा बनाने वाले को यार तो ये बात पहले नहीं बोल सकते थे। मैंने बताया ना प्यारी बस ओके यार कैमरा उस पर कट नहीं करे यार प्लीज। अच्छा भाई नक्शा बनाने वाला मिजा निगारी मिजा वाला बात और ये के महबूब को हाँ जज्बात वाला हाँ भाई तो ये यही तीन लोग बताते हैं। ये ढंग के आदमी नहीं पूछ रहे मतलब अगर राय दिलवानी है तो मेहमान की मदद करनी है आप इन दो से मशवरा ले सकते हैं। इस राउंड में ना ये अलाउड है ना ऑडियंस अलाउड है। अच्छा यूनुस भाई की मदद आप ऑडियंस की तरफ देखेंगे पत्थर की वजह से जो क्योंकि मशहूर मारूफ उनका वहाँ पे जिक्र किया है हाँ तो मुझे मैं समझता हूँ कि मजा के मिजाह के दूसरा नाम ये मुझे अच्छा, ये लगता है। अच्छा वैसे आपको पता है मुझे लगता है नहीं मुझे नहीं पता खुदा ये नहीं कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बोला नहीं वो तो मैंने चूंकि इन्होंने मुझे मना किया था कि अगर आपको पता भी हो तो गलत बता रहे हैं थोड़ा सा ये नहीं कहता कि आपको पता ना भी हो तो भी कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं पता हम अंदाजे मुझे ये लगता है कि आपका क्या ख्याल है आप बताएं ताकि आसानी हो ना यार मुझे ये अच्छा लगा कि इसी गेम में इन्होंने बोला इन दोनों को ही पता आगे चल के कुछ नहीं पता नहीं पता तो पता नहीं इसमें भी है यानी कि ना बताएं अंदाजा तो आपका क्या शुएब भाई आपका भी ख्याल है कि शुएब भाई अच्छा अच्छा फैसला आपने अपना कर लिया। हाँ जी हाँ जी वो कह रहे हैं भाई टाइम कम है आगे बढ़ना है तो आप मेरे लिए आप बड़े काबिले एहतराम है जहर आपने जो राय दी है मैं बिल्कुल उसके साथ नहीं जाऊंगा। अच्छा आ गया गुरु तो खरीदार इन दोनों के ख्याल में ये है जो उन्होंने बताया और आपकी क्या राय आपको मतलब पांच सेकंड ख्याल है मेरा ख्याल है सिद्धू पाजी ठीक कह रहे हैं महबूब खुतूत हाँ वो ये वसीका नवीस की बात कर रहे हैं हमारे दरमियान वाले भाई जो है दरमियान वाले भाई वो जो बात कर रहे हैं मिजा निगारी को मैंने आज तक और जावेद अंजुम ऐसा नाम मैंने सुना नहीं जितने मिजा लिखने वाले लोग थे सही है उनको वो आपने चौथी जमाने पढ़ छोड़ा था उसमें जावेद अंजुम साहब तो नहीं थे शफीकुर रहमान है वो यूसुफी साहब है वगैरह इब्ने तो वो कहते हैं लॉक करें मैं 5 सेकंड देता हूं आप लोगों को मेरा ख्याल है कि खत लिखने वाला ही है यानी कि अगेन मुझे पता नहीं है मैं ये तुक्का है सिद्धू भाई तुक्का है इकरार भाई कह रहे हैं कि सिद्धू भाई को लॉक करें यानी कि महबूब को ये लॉक कर दिया हमने भाई। अच्छा सर आपको यकीन है कि आपका जवाब सही है नहीं पाजी छापा मार देते मैं तो झूठ कह ही नहीं सकता मैं सच सच पढ़ के बताया तो तनवीर भाई ने कहा शुएब भाई यूनुस भाई ने कहा शुएब भाई नामुमकिन इकरार भाई ने दोनों की जो बड़े काबिल है ना लेकिन अमलन दोनों की ऑप्शन को ऐसे साइड पे छापा असल जो बात है ये आपके ख्याल में उन्होंने अकलमंदाना काम किया कि नहीं नहीं किया किया मुझे लगता है बिल्कुल सही किया बिल्कुल सही किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ इकरार भाई ने इनकी बात ना मान के बिल्कुल सही किया क्योंकि जो ऑप्शन ये दोनों बता रहे थे वो कसम से बिल्कुल गलत था। ये अलग बात है कि जो ऑप्शन इन्होंने बताया वो भी गलत थी। ये देखें आप हैं यानी इसका मतलब ये जो आंखें ये ऑप्शन ठीक था यानी हाँ यानी इस डेस्क से आज सही जवाब आया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई भाई खरीदार निगार कहते हैं यार नक्शे बनाने वाले को जमीन पर नक्शे बनाने वाले को मैं खरीदार निगार कहते मैंने, हैं मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया हाँ। आपको लगा कि मैं इस्तेमाल करते हैं यार वसीम भाई ये देखे मेरे पास मैसेज भी आया है वो क्या यार फोन देख रहे नहीं मैसेज आया है अच्छा ये पढ़ ले देख ले भाई मेरे पास तो मैसेज आ रही है आपके बारे में मुंह पर मैसेज किया है खरीदे निकार के मायने नक्शा बनाने वाला हां ये पहले क्यों आया अरे पहले क्यों मैसेज आया पहले मैसेज आ गया आपके पास क्या मैसेज आया वसीम भाई मेरे पास मैसेज आया है तनवीर भाई की लीक वीडियो के लिए क्लिक करें बढ़ते पहली बॉल जीरो हो गई पहली बॉल में इकरार भाई सिफर का आउट हो गए कोई बात नहीं बढ़ते फौरन से दूसरी गेंद के जाने चलो भाई इकरार भाई दूसरा सवाल देखें भाई पहला किसका गुस्सा आपके ख्याल में जो हमने लोगों से पूछा तो लोगों ने क्या कहा होगा बीवी 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 ये मैं तो मैं एक ऑप्शन काउंट करूं या ए और बी
दो करते हैं, दो करते हैं बस। और छा गए, और छा गए गुरु, छा गए भाई। बात छोटी कुर्सी लगाओ, छोटी कुर्सी। ये सही ए और बी तो हो गया, बीवी और बीवी भी हो गया। डबल डबल कर, डबल काउंट कर रहे हैं बंदे के साथ। ये हमने करके ना फेंक दिया। अगर एक सही हुआ तो डबल नंबर मिल जाएगा। आप देखिए वसीम भाई, हां वसीम भाई, आपने चार ऑप्शन रखे हैं। हां देखो कि चार की इजाजत है ना, चार ऑप्शंस की। हां भाई पहले वो कह रहे हैं बीवी, बीवी है इसमें यानी बता दे भाई, बेगम का। ये बिल्कुल सही है। ओके दूसरा ऑप्शन बताएं इकरार भाई, आपने बिल्कुल सही बॉस का, बॉस का किसका, बॉस मालिक, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो। सही, आपने कभी बॉस का गुस्सा मजबूरन बर्दाश्त किया? नहीं। बताया ना आपने, यही जवाब बनता है। दिखाएं भाई बॉस का है इसमें या नहीं है, बताएं भाई। वाह वाह, अगर इस सवाल का जवाब आप नाम में दे दो तो आपको कल फिर उनका गुस्सा मजबूरन बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये अच्छा किया आपने। तीसरा बताएं और क्या हो सकता है। अच्छा मैं हिंट देता हूँ, तीसरा हो सकता है कि आप उसका रुतबा ही इतना एहतराम। देखिए अगर आपके हिंट दिए बगैर मैं अच्छा परफॉर्म तो कर रहा हूं, यार ये बात भी तो आपकी मेहरबानी है। आप पहुंचे भाई, बाकी दो पे पहुंचे, बताएं भाई। मेरे ख्याल है वालिदैन का, वालिदैन का बड़ों का, बड़ों का वालिदैन इसमें है या नहीं, बताएं भाई। ये नहीं ना माने, मेरी हिंट ना मांगे आप। ठीक है तो नहीं, अच्छा आखिरी वो आदमी है कि जिसका आपको गुस्सा इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है कि मजबूरी है, गोट फंसी हुई है, क्या करें क्या करें। महबूबा, महबूबा का सास तो नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं महबूबा का, अब पता नहीं तजुर्बे की, मुझे नहीं पता क्या महबूबा इसमें है या नहीं, बता दें भाई। हो गया लग रहा है यार, आप निकल ही नहीं रहे उससे बाहर, वहां उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। कह रहे हैं गोट फंसी हुई है, मतलब वो जो खरीदा निगारी से फंसे हैं महबूब में। तो मैंने कहा हमने लिखा मजबूरन। देखिए वालिदैन का तो बंदा दिल से है ना, ओ ये तो मजबूरन है। मजबूरन कौन कौन से दो हैं और बताएं भाई, कौन कौन से दो और हैं जो कि नाम सही नहीं बता पाए। उस्ताद का, अच्छा वैसे तो करना चाहिए मतलब दिल से, और चौथा क्या, उधार देने वाले का। इसका तो मजबूरन ही बर्दाश्त करना पड़ता है ना। तो भाई इसमें आपने दो सवाल के जवाब सही दिए, मतलब लेकिन इकरार भाई मैं क्या मतलब है, कितने पॉइंट्स मिलेंगे? दो और दो चार, आपने चार पॉइंट्स से और हर एक के दो नंबर रन से दो सही जवाब दिए। इस वक्त 4/2 आपका स्कोर हो गया 2। ओके मीना मुनीर साहब 2.5 और डॉक्टर साहब 5.5। यार बहुत अच्छा, तो मैं ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन आपका मुश्किल वक्त खत्म। कितनी गेंदें और हैं? एक कम से कम एक गेंद और, आसानी आसानी है। अगली जो गेंद है ना उसमें तीनों सवाल है क्रिकेट से मुताल्लिक, आसानी है। आपको टेंशन ही नहीं, इधर यूनुस भाई इधर, आपने पूछना है मुश्किल वक्त खत्म, मुंह पे मार रहे हैं आपने, बहुत बुरे हालात। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश। खुश आमदेद इकरार भाई, देखते हैं कि आखिरी राउंड में नीलम मुनीर साहब को पीछे छोड़ पाते हैं या नहीं। अपने स्कोर के हिसाब से बढ़ते हैं तीसरी गेंद की तरफ। चलो भाई कोई टेंशन नहीं है, आपको मैं तीन ऑप्शन दूंगा, एक ऑप्शन तनवीर भाई देंगे, दो रह जाएंगे, उसमें आप दो में से बता देना कौन सा सही है। नहीं मैं सॉरी सॉरी भाई, ये बताएं इकरार भाई, ये बैट्समैन गेंद ए की तरफ मारेगा, बी की तरफ या सी की तरफ, क्या ख्याल है आपका? आपका पहला ख्याल क्या है? यूनुस भाई ने कहा बी, मैं तो नहीं हूँ ऐसे। आपका क्या ख्याल है? टाइम देख रहा हूँ, टाइम बताओ, टाइम आपका मुझे लगता है बी। नहीं आप सही बोल रहे हो, नहीं आप अपने आप को लग रहा है बी, बताइए बताइए। नहीं सही बोल रहे हैं ना, कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि लॉक करें, लॉक करें ना तनवीर भी, अल्लाह करे यही हो। तनवीर भाई कह रहे हैं, इकरार भाई कह रहे हैं बी 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 बी, नहीं तनवीर भाई कह रहे हैं बी। देखिए सही जवाब क्या है, दिखाएं यार। ए तनवीर भाई ने कहा बी, यार ए बोला मैंने, यार वसीम भाई मैंने बोला, नहीं नहीं आपने बोला ए, फिर कहा नहीं 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 बी बी, मान गया गलती से तो ठीक हो रहा है, गलत हो गया जवाब। ये बताएं इकरार भाई, ए बी या सी, ये बताएं बी। इकरार भाई कह रहे हैं कि ये बी, तनवीर भाई आप बता दें, यूनुस भाई आप बताएं ना, आपसे पूछ रहा हूं। 5 सेकंड, 4, सी सी मैं सी सी सी, वो कह रहे हैं सी। इकरार भाई का ख्याल था ए, लेकिन यूनुस भाई कहने पे सी कह दिया। चला है भाई बॉलर आए गेंद की, क्या हमने तो सी बोला ना, आखिरी गेंद बोला था मैंने, आपने तो जेड बोला था, आखिरी बोल दिखाए। हाँ दिखाए भाई, ये किधर जाएगी, तनवीर भाई आप बोले ये फुलफिल शायद, तो मुझे लगता है कि ए जानी चाहिए, ए जानी चाहिए भाई। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मुझे बोल रहे हैं ए जानी चाहिए। ओ भाई वो कह रहे हैं ए जानी चाहिए, बी और सी में से बताओ ना क्या है। यार कमाल है यार, क्या बोला आपने, तनवीर भाई कह रहे हैं ए जानी चाहिए, बी और सी में से क्या सही बताओ। नहीं वो कह रहे हैं मैं ए पढ़ी हूँ, बी 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 बी। तनवीर भाई ने कहा ए, मैंने कहा बी सी में से देख लो क्या सही, दिखाओ भाई क्या हुआ। बोला रहा है गेंद की,
बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है इकरार भाई, बहुत शुक्रिया आपका यार। शुक्रिया आपका, आपने जो टिप दिया भाई का स्कोर कैलकुलेट करें सर, ये फिलिप्स पर्सनल केयर का तोहफा है, हेयर ड्रायर स्ट्रेटनर। थैंक यू मसूद भाई, आज मसूद भाई की सालगिरह भी है वैसे, हैप्पी बर्थडे टू यू मसूद भाई। और ये डब्ल्यू पी भाई हिमानी यार, ये जो है ना, ये जानता हूँ मुस्तफा भाई, थैंक यू भाई, मैं भी इसी मैं भी इनके नौकरी करता हूँ। ये कोई खुशबुओं का तोहफा है। इकरार भाई का कितना स्कोर हो गया टोटल बताए? 2 point, ओए होए होए, नीलम साहब 2.5, इकरार भाई 2.6, क्या बात है, उनसे जीत गए। डॉक्टर साहब बहुत आगे हैं 5:30 पे, सर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात, कल होगी मुलाकात, हमें मजा आया, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।